हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज की ब्लॉग में मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, मतलब जो एक एक्सीडेंट हुआ था मेरी गाड़ी के सामने, ऑलमोस्ट हुआ था दोस्तों। तो क्या हुआ था, किस लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं गोवा से मालवण गया था ये मेरी गाड़ी लेके, स्विफ्ट डिजायर। और जब मैं आ रहा था उधर से, तो आते समय एक सिग्नल पर ही एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों। क्या हुआ, मेरे सामने एक i10 गाड़ी थी और उसके सामने एक अर्टिका गाड़ी थी, ठीक है। तो अर्टिका गाड़ी थी, उसके पीछे i10 थी और उसके पीछे मेरी गाड़ी थी। तो i10 और मेरी गाड़ी में थोड़ा सा अंतर था, मतलब गैप बहुत ज़्यादा था। तो क्या हुआ, जो सिग्नल होता है आपको पता ही होगा, जब सिग्नल पड़ता है तो एक लाइन क्लियर होती है, बाद में उधर फिर से सिग्नल पड़ता है और दूसरी लाइन क्लियर होती है, ऐसे सभी लाइन्स क्लियर होते हैं, टाइमिंग पर सेट होता है वो दोस्तों। तो क्या हुआ कि जो अल्टिका गाड़ी थी वो ऑलमोस्ट जो सिग्नल है उधर पहुंच गई, और एग्जैक्टली सिग्नल के सामने पहुंचते हुए तभी सिग्नल पड़ा। तो उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट ब्रेक अप्लाई किया, किसने, अल्टिका गाड़ी ने। तो i10 दोस्तों बहुत ही नज़दीक थी अल्टिका के, मतलब उन दोनों में जो गैप था वो बहुत कम था। तो क्या हुआ दोस्तों कि अर्टिका तो ब्रेक मार के उसने स्टॉप कर दी, बट i10 जो थी वो बहुत नज़दीक थी अर्टिका के। तो सडनली जो आगे की गाड़ी ने ब्रेक मारा, इसलिए वो i10 वाला ब्रेक न मार सका। और मुझे लगता है शायद ब्रेक मारा भी होगा तो भी क्या हुआ कि डिस्टेंस कम था और थोड़ी सी स्पीड तो होती है क्योंकि हाईवे है दोस्तों। और i10 दोस्तों हिट हो गई जाके अर्टिका के पीछे, तो गाड़ी में बहुत नुकसान आया। अर्टिका का ऑलमोस्ट पीछे का बम्पर डैमेज हो गया और i10 का जो आगे वाला पार्ट था वो पूरा बम्पर वगैरह टूट गया। हेडलाइट्स भी थोड़ी सी डैमेज हो गई और बोनेट खोल के देखा तो ऑलमोस्ट गाड़ी से धुआं आ रहा था। पर तो i10 के पीछे मेरी गाड़ी थी दोस्तों, पर i10 और मेरी गाड़ी में गैप था बहुत, तो इसलिए मैंने ब्रेक मारा ऑलमोस्ट और मेरी गाड़ी थोड़ा डिस्टेंस पहले ही स्टॉप कर दी। तो इससे मेरी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पर इस एक्सीडेंट से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके आगे अगर कोई भी गाड़ी है दोस्तों, या फिर हैवी व्हीकल आप पकड़ो, या बाइक भी पकड़ो, आप कौन सी टू व्हीलर भी हो या गाड़ी हो, तो भी आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें उस गाड़ी के और आपके बीच में, क्योंकि आप कह नहीं सकते दोस्तों, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको इमीडिएटली ब्रेक मारना पड़ता है या फिर गाड़ी स्लो करनी पड़ती है। हो सकता है कि उसके आगे वाली गाड़ी स्टॉप हो जाए या फिर आगे कुछ कुत्ता बिल्ली वगैरह भी रास्ता काटते हैं, तो भी सडनली थोड़े लोग ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी स्टॉप करते हैं, तो उनकी गाड़ी तो स्टॉप होती है, लेकिन पीछे जो गाड़ी होती है वो जाके उस पर हिट होती है दोस्तों। क्योंकि पीछे जो गाड़ी चलाते हैं उसको अंदाज नहीं होता कि ये आगे वाली गाड़ी इमीडिएटली स्टॉप होगी। तो दोस्तों इस एक्सीडेंट वाली बात मैं इसलिए शेयर करना चाहता था आपसे कि आपको यही एडवाइस दूँ कि आपके आगे जो गाड़ी चल रही है उसके और आपके बीच में आप थोड़ा सा तो डिस्टेंस रखें। आप कभी भी आगे वाली गाड़ी को ऑलमोस्ट टच करके आपकी गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि आप बता नहीं सकते दोस्तों, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता कि जिसका एक्सीडेंट होता है उसकी गलती होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती एक की होती है और एक्सीडेंट का जो डैमेज होता है वो दूसरे लोग को होता है या फिर दूसरे की गाड़ी को होता है। तो बेहतर यही होगा कि हम केयर लेके गाड़ी चलाएं, सेफली गाड़ी चलाएं और खुद भी सेफ रहे, बाकी के लोगों को भी सेफ रखें। तो इस क्लिप में इतना ही था दोस्तों, ये एक्सीडेंट के बारे में आपको बताना चाहता था, ताकि बारिश का भी सीजन शुरू हो गया तो आप अच्छे से केयर लेके गाड़ी चलाएं। तो अगली ब्लॉग में हम गाड़ी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून, अगला वीडियो जरूर आएगा जल्दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून।